नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अपना YouTube चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा झारखंड JPSC के संदर्भ में। झारखंड JPSC की जो PT एग्ज़ाम हुई थी उसकी रिजल्ट कब पब्लिश होगी, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, JPSC 7th JPSC जो ली थी उसकी सीटों की इंक्रीजमेंट के बारे में। बहुत सारे यूट्यूबर्स कैंपेन चलाने वाले हैं कि इसमें सीट इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ये 4 JPSC हैं, 7th, 8th, 9th और 10th, और महज इसमें वैकेंसी बहुत कम निकली है। जैसे मैं 2016 वाली 6 JPSC की मैं बात करूं, तो उसमें जो सीट्स थी वो 226 सीट थी, और इस संदर्भ में मैं बात करूं तो इसमें 252 सीट हैं, मात्र 26 सीट बढ़ी हुई है। और मैं 1st JPSC की भी मैं बात करूं तो इसमें 65 सीट थी। तो अगर मैं 4 JPSC के अगर डिवाइड करूं 252 से, तो ये 55 सीट आती है, 55 सीट लगभग आती है 1 JPSC की। और अभी मैं खाली पड़े पदों की मैं बात करूं तो अभी भी 1600 पद ऐसी हैं JPSC में जो खाली पड़े हैं। तो पद खाली रहने के बावजूद भी JPSC वैकेंसी क्यों नहीं निकली, और निकाली तो बढ़ाई क्यों नहीं, इसी संदर्भ में सब यूट्यूबर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कैंपेन चलाने वाले हैं कि सीटों की इंक्रीमेंट की हो जाए, क्योंकि JPSC बहुत बड़ी संस्था है और बार बार ये एग्ज़ाम तो अभी कंडक्ट करवा नहीं रही है। तो ये बार बार कंडक्ट क्यों नहीं करवा रही है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसी के संदर्भ में बहुत सारे यूट्यूबर्स कि हम लोग सब मिलके एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाने वाले हैं। वो कैंपेन कब होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ओके। उस दिन आपको ट्वीट करना है, वो सब यूट्यूबर्स हम लोग मिलके ये काम करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ इसकी कट ऑफ की, ओके, और इसकी डेट ऑफ पब्लिशन एग्जामिनेशन रिजल्ट की। तो एग्जामिनेशन रिजल्ट इसकी जो भी हो वो 2-4 दिन के बहुत जल्द ही अथा शीघ्र ही आप लोग के सामने नज़र आएगी। और जो भी इसकी कट ऑफ होगी वो मैं पहले भी बताया था, कॉमन कट ऑफ, ओके, ये कॉमन कट ऑफ निकाली गई है। एक और चीज़, ये कॉमन कट ऑफ होता है क्या वो मैं पहले बता दूं। जैसे अगर कॉमन कट ऑफ की मैं बात करूं तो कॉमन कट ऑफ में अगर आप इस तरह से चलते हैं कॉमन कट ऑफ में, तो यहाँ हो रहा है कि जो OBC की जो कट ऑफ है, OBC 2 की कट ऑफ, वो UR की कट ऑफ से ज़्यादा हो जाती है। तो OBC की कट ऑफ UR की कट ऑफ से ज़्यादा ना हो, इसमें मर्ज किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स जो UR के हैं उसमें से अगर कम स्टूडेंट्स हैं UR में और OBC में ज़्यादा अगर मार्क्स ला रहे हैं, तो ये सब स्टूडेंट्स को UR में मर्ज किया जाएगा और UR के कैंडिडेट को निकाला जाएगा, ताकि ये दोनों की बैलेंस बन सके, ओके। इसी तरह मैं OBC 1 की भाई बात करूं तो OBC 1 में भी कोई ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं है, ओके, इसकी कट ऑफ भी वैसा ही रहने वाली है। जिस तरह मैं बात करूं UPSC की, UPSC जो कट ऑफ निकालती है उसकी मैं बात करूं, तो उसमें कट ऑफ निकालती कैसे है UPSC, जैसे कि अगर आपको मान लो 300 का मार्क्स है, ओके, 300 का मार्क्स से मान लो आपको इसका कट ऑफ जो जाएगा वो 150 जाएगा, ओके। मान लो इसका 300 का एग्ज़ाम हुआ है, कट ऑफ जानी है 150, तो ऊपर से आने की जितने भी हाईएस्ट स्टूडेंट्स हैं मार्किंग स्टूडेंट्स, मान लो 180 होंगे, 200 होंगे, 220 होंगे, 150 होंगे, ओके, मान लो इसमें सीट जो है वो पूरी 150 सीट है, ओके। तो जितनी सीटें हैं उसमें 150 में सीटें में देखेंगे को कितना स्टूडेंट्स उसमें अपीयर किए हैं, उतना से वो ऊपर से कट ऑफ कर लेगा हर एक कैटेगरी वाइज की, चाहे जनरल की हो, OBC की हो, SC की हो या फिर ST की हो, तो उतना से वो कट ऑफ कर लेगा, ओके। ये होती है JPSC में, और BPSC भी इसी संदर्भ में होता है, लेकिन UPSC और BPSC के ये संदर्भ में तो सही है, लेकिन JPSC में तो ये संदर्भ में रहेगा, लेकिन उसमें अगर हो इस तरह से करती है सरकार, तो इसमें क्या हो जा रही है, OBC की जो कट ऑफ है वो हाई हो जा रही है UR से। आप समझिए बात को, यहाँ अगर JPSC के संदर्भ में अगर
सॉरी अगर यूपीएससी के संदर्भ में जेपीएससी कट ऑफ जारी करती है तो इसमें जो है ओबीसी की कट ऑफ यूआर से हाई चली जा रही है। तो इसी को देखते हुए अब ताकि मामला आगे ना जाए, इसी को देखते हुए क्या कर रही है यूपीएससी, जो यूआर की कैंडिडेट हैं उसको बीपी ओबीसी के कैंडिडेट से मर्ज कर रही है ताकि दोनों का कट ऑफ रहे, बैलेंस रहे। ओके, तो अगर कट ऑफ में बात करूं तो यूआर और अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी टू की कट ऑफ सेम ही जहां तक हो, इसमें हेर फेर ना होगी कुछ। ओके, और ओबीसी वन की जो कट ऑफ है वो एक दो नंबर इधर उधर हो सकती है, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, मेरा चैनल आप जा देख सकते हैं, कट ऑफ उतना ही रहने वाली है, उससे कोई ज़्यादा उच्च नीच नहीं होने वाली है। ओके, 210 के आसपास ही रहने वाली है यूआर की कैंडिडेट की। ओके, तो ये रही जेपीएससी की कॉमन कट ऑफ के बारे में। उसी तरह एससी एसटी की और वीमेंस की और आपकी फिजिकल हैंडीकैप की सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, 15 गुना रिजल्ट देनी है। जैसे मैं बता दूं, अगर मान लो जनरल की अभी जो सीट है झारखंड जेपीएससी सेवेंथ में वो 114 सीट है। ओके, तो इसकी आप 15 गुना कर लो तो इसमें आती है टोटल 1710। तो यूआर के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो 1710 स्टूडेंट्स का ही आपको पीटी में रिजल्ट देगा। ओके, फिर मैं बात करूँ ओबीसी टू की, तो ओबीसी टू की जो टोटल वैकेंसी थी जेपीएससी सेवन्थ जेपीएससी में वो 13 थी, तो इसकी मैं अगर 15 से गुना करूँ तो इसकी 195 आएगी। तो ओबीसी टू की जो सीटें होगी वो 13 थी और इसकी जो टोटल कैंडिडेट जो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे वो 195 होंगे। इसी तरह ओबीसी वन की मैं बात करूँ तो 20 सीट थी, उसकी 15 से गुना करोगे तो 300 आएगी। ओके, और फिर एससी की एसटी की एससी की मैं बात करूँ तो 330 स्टूडेंट्स हैं और एसटी की मैं बात करूँ तो 960 स्टूडेंट्स हैं। और फिर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 19 सीट थी, इसको अगर आप 15 से गुना करोगे तो 285 सीट आएगी। ओके, 285 इसमें ईडब्ल्यूएस में स्टूडेंट्स जितना मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे वो 3780 स्टूडेंट्स होंगे। ये आपको जो पीटी का जो रिजल्ट देगा वो 3780 स्टूडेंट्स का रिजल्ट देगा, ये सब स्टूडेंट्स मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, तो आपको देखना है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं बता दूं रिजल्ट इसकी बहुत जल्द ही सब प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, बस रिजल्ट इसकी 2-4 दिन के अंदर विद इन 25-24 तारीख के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको पैनिक होने की टेंशन नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, ज़्यादा जाएगी नहीं। ओके, जितना मैं बताया है कट ऑफ उतना ही जाने वाली है, आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आप ज़्यादा भ्रमित भी ना हो, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई भी नहीं होने वाली है और कम तो होगी नहीं, जितना मैंने बताया बस उसी से एक दो नंबर जाने वाली है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।